मुझे लेफ्ट में 2 मिनट का रास्ता है। हाँ वो तो है, चलो ठीक है। नहीं है कुछ, हाँ देखते हो, हाँ लगा तो लगता अभी तक तो नहीं है। मैं वो मंगेज मना कर बताता हूँ। यार मैं इसको ट्विस्ट नहीं कहूँगा, आई थिंक ये कहानी थोड़ी आगे बढ़ी है। आई थिंक वी वर गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्वीट्स एंड मैसेजेस फ्रॉम फैंस कि शो आगे नहीं बढ़ रहा, कहानी आगे नहीं बढ़ रही, यू नो। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो प्यार है वो आई थिंक इसी वजह से है कि लोगों को जो प्रेजेंट कहानी थी वो बहुत पसंद थी। अभी जो हुआ है रादर करंट सिचुएशन में वो ये है कि मेरे फादर का एक्सीडेंट हो जाता है और जो ऋषभ की शादी वो शर्लिन से हो जाती है जो शो की नेगेटिव लीड है। तो इस सब का जो मैं ब्लेम करता हूँ, मतलब करण जो ब्लेम करता है वो प्रीता को करता है कि प्रीता की वजह से ये सब गलत बातें हुई हैं घर में। वो प्रीता को धक्के देके घर से बाहर निकाल देता है एंड आई थिंक ऑडियंस को ये बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि दे ऑलवेज थॉट कि करण प्रीता के बगैर नहीं रह सकता, प्रीता करण के बगैर, और वो भी है भी, यू नो इट्स समवेयर देयर। बट आप देखिए ज़िंदगी में हर किसी की, बिकॉज आई ऑलवेज से इट्स अ वेरी रियलिस्टिक शो, इट्स अ वेरी रिलेटेबल शो। हमारी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आते हैं, सब कुछ है, तो इस किरदार की ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आए हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगा कि मैं ट्वीट्स पढ़ता रहता हूँ आप लोगों के, सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, सब कुछ होगा लेकिन आराम से। दर्शकों को नया ये देखने को मिलेगा कि करण लूथरा का जो स्टैंड है अपनी फैमिली को लेकर, प्रीता को लेकर या शर्लिन को लेकर, अपने भाई की ज़िंदगी को लेकर, वो थोड़ा डिफरेंट है। मुझे लगता है अभी तक जो करण लूथरा का एक कैरेक्टर जो है वो ऐसा था कि फ्लैम्बॉयंट, कैसिनोवा, फीमेल फैन फॉलोइंग एंड ऑल, अभी वो थोड़ा सा सटल हो गया है, यू नो, थोड़ा सा मैच्योर हो गया है एज अ कैरेक्टर। अभी फैमिली के साथ जुड़ता है, फैमिली की बातें सुनता है, फैमिली को संभालता है। अभी भी तक उसको ये नहीं पता कि सिचुएशंस को रिएक्ट कैसे करते हैं, वो थोड़ा हाइपर हो जाता है अपने तरीके से, क्योंकि उसको अगर लगता है, एज आई सेड, ही इज़ अ वेरी रियलिस्टिक कैरेक्टर, उसको अगर लगता है कि ये गलत है तो गलत है, वो कहीं पे बना के ड्रामा नहीं करता कि ये गलत नहीं है, ये गलत है, तो वो एक्सेप्ट करता है उस चीज़ को। बट वो थोड़ा सा बच्चा टाइप है, तो उसको समझाने में वक्त लगता है, बड़ा भाई समझाता है उसको। मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज़ें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शो की, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन द कैरेक्टर्स, आई थिंक दैट्स वर्किंग फॉर द शो। हम 2 साल से नंबर 1 है, 3.4 TRP। ग्रेट यार, आपको अगर सी, मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ सब मेहनत करते हैं, सब शो के सब आर्टिस्ट, सब प्रोड्यूसर, सब डायरेक्टर, सब मेहनत करते हैं। ऑडियंस के साथ जुड़ाव की बात होती है कि यू नो आपका शो पहले से हफ्ते से ही नंबर 1 हो जाए और लोग आपको इतना प्यार दें, इतना सराहें, आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। एंड मेरे लिए शो बहुत बड़ा है, आई एम टोटली एक्साइटेड टू बी द पार्ट ऑफ कुंडली भाग्य। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क विद एकता कपूर, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू प्ले अ रोमांटिक हीरो इन वन ऑफ हर शोज, एंड आई ऑलवेज मैनिफेस्टेड दिस थिंग। इवन आई वॉज नॉट एन एक्टर, तब भी मैं मैनिफेस्ट करता था कि एक दिन मैं एकता के साथ काम करूँगा। टुडे हियर आई एम, यू नो, डूइंग अ नंबर 1 शो ऑन इंडियन टेलीविजन विद एकता कपूर, प्लेइंग अ रोमांटिक हीरो। आई थिंक दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी एंड आई एम थैंकफुल फॉर दिस। हाँ जी, शादी वाला प्रोमो भी आप देखेंगे, इट्स अ न्यू ट्विस्ट। वो शादी जो है वो आप अगर देखेंगे तो प्रोमो में मैं कार्ड जला रहा हूँ, मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि पृथ्वी और प्रीता की शादी हो, पृथ्वी को मैं पसंद नहीं करता बिल्कुल भी, सो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पृथ्वी को प्रीता से शादी करने दूंगा या प्रीता को पृथ्वी से शादी करने दूंगा, कुछ ना कुछ तो करूँगा। मैं क्यों एक्साइटेड हूँ प्रीता और पृथ्वी की शादी के लिए? मैं हाँ यार,
जो मेरी हीरोइन है प्रीता, वो बहुत सारी सेल्फीज़ खींचेंगी, हम लोग बहुत सारे टिकटॉक बनाएंगे, हम लोग बहुत सारे फोटोग्राफी होगी, सब कुछ होगा। आई थिंक दिस इज़ द एक्साइटमेंट फॉर अस। अच्छे कपड़े पहनेंगे, करण लूथरा वैसे भी अच्छे कपड़े पहनता है, ही इज़ नोन फॉर स्टाइल एंड ऑल। तो बस यही है कि एक्साइटमेंट इस बात का कि एक नया ट्रैक है, थोड़ा आगे बढ़े हैं स्टोरी में, एंड पीपल आर लविंग इट। आई नो कि वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, बट येस, मैं फिर से कहूँगा, सब्र का फल मीठा होता है। अब नहीं है कॉमन, मेरी कहाँ शादी हो रही है? प्रोमो आप देखेंगे तो पृथ्वी और प्रीता की शादी हो रही है, उनके कार्ड छपे हुए हैं, तो वो ट्विस्ट देखने के लिए देखते रहिए कुंडली भाग्य। गुड यार, इट्स अ ग्रेट वे ऑफ, ग्रेट मीडियम ऑफ एंटरटेनिंग द पब्लिक एंड ऑल, एंड आई थिंक इट्स फन यार। आप लोग, मैं सोशल मीडिया को हमेशा कहता हूँ कि सोशल मीडिया इज़ अ पार्ट, यू नो, जस्ट कीप इट टू इंटरेक्टिंग फैंस। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट मीडियम फॉर विजिबिलिटी एंड यू नो, नोइंग अबाउट द इंडस्ट्री एंड फैंस के साथ इंटरेक्शन का ग्रेट मीडियम है, एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग वी शुड रिलेट टू ऑल द एक्टर्स। आई थिंक जी, मुझे इस बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हर चीज़ के लिए देर शुड बी गाइडलाइंस, देर शुड बी लॉज, ताकि कोई भी किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल ना करे। आई थिंक ये जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया, ये अच्छे विचारों से बनाई गई हैं, अच्छे यूज़ के लिए बनाई गई हैं, और आई थिंक वी ऑल शुड यूज़ इट इन अ सिचुएशन एंड फॉर गुड थिंग्स। आई थिंक ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो, आई थिंक ये सब चीज़ें फॉर गलत यूज़ करने के लिए नहीं बनी है, एंड आई थिंक वी शुड ऑल अडेयर टू दिस, ऑल द गाइडलाइंस, ऑल द लॉज। यार सारे शाहरुख खान के सारे सॉन्ग्स मेरे फेवरेट हैं शादी वाले, तो मेहंदी लगा के रखना इसमें फेवरेट। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन, एंड आई प्रॉमिस, दी करण लूथरा प्रॉमिस दैट आई विल कीप एंटरटेनिंग यू गाइस टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज। आई लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बोल हो गया, बस वो कैसे, उससे कैसे सक्सेसफुल हो? नंबर वन शो तो एकता मैम का, फिर अगर ये बता दिया तो उसके बाद तुम देखोगे नहीं। नहीं एक्चुअली देखो क्या है कि मज़ेदार ट्विस्ट है, ट्विस्ट तो अभी ये है कि डैड कोमा में है और शादी उससे हो गई है जिससे मैं नहीं करना चाहता था, और जिससे करना चाहता था वो किसी और से शादी कर ली, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। और बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आप जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला, और बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें हम लोग लाने वाले। तो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशंस बहुत सारे बिखर गए पर उसके अंदर आप लोगों को मज़ा आएगा देखने के लिए, इसलिए। यही तो शिकायत मेरी भी है, ये शिकायत मेरी भी है कि स्टोरी आगे बढ़ाओ, लेकिन क्या होता है कि लोग कहते हैं कि स्टोरी अच्छी आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन उनको पसंद भी आ रही है। मुझे भी लगता है कभी कभी कि यार स्टोरी और आगे बढ़नी चाहिए, बट हमारे लिए भी एक शौक होता है जब हम सुबह 9 बजे सेट पर पहुंचते हैं और स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, अरे अच्छा आज स्टोरी में चेंज है, तो तब हमारे लिए भी एक नया होता है। क्योंकि जब स्टोरी आगे बढ़ती है, कुछ नया आता है, तो हमारे लिए भी एक इंटरेस्ट जागता है। सो वी ऑल्सो शो आर इन्वॉल्वमेंट बिकॉज वी वॉन्ट डू समथिंग गुड, समथिंग न्यू, समथिंग बेटर, एंड दिस ऑल्सो मोटिवेट्स अस टू डू बेटर। एज एन एक्टर आई वॉन्ट परफॉर्म बेटर, आई वॉन्ट टू चेंज माई रिलेशंस, एंड आई नो दैट वॉट एग्जैक्टली मेरे एक जिससे मेरा बॉन्ड, आई वॉन्ट न्यू सीन्स, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर समथिंग ब्यूटिफुल अबाउट माई रिलेशनशिप विद माई ब्रदर, विद माई मॉम, विद माई डैड एंड एवरीबॉडी। बट हैविंग सेड दैट देर आर सर्टन थिंग्स यू नीड्स टू, दे आर द बॉसेस, दे नो एग्जैक्टली वॉट हाउ टू रन द शो, दैट्स वाई दे आर रनिंग द शो। A lot of people think, yes, that the content has become stagnant and all of that, but उस स्टैग्नेशन के अंदर भी हम लोग कुछ ना कुछ नया नया लाते रहते हैं, कुछ अच्छा रहता है। आउट बाउंड्री शायद थोड़ी सी स्टैग्नेंट लगे, लेकिन अंदर का कंटेंट थोड़ा थोड़ा बेहतर होता रहता है, अच्छे सीन्स आते हैं। मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है, शायद आप मेरे से डिसएग्री करेंगे,
चाहे आपका प्लॉट स्टैग्नेंट हो, इट्स ओके, लेकिन अगर आप ऑनेस्ट तरीके से जो आपके सीन्स अगर आप डिलीवर कर रहे हैं और अगर आप ऑडियंस को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ऑडियंस स्टैग्नेंट फील नहीं करती, बिकॉज वो आपके साथ हर सीन के साथ जुड़ते हैं, हर सीन के साथ आपके साथ वो मैच्योर होते हैं. सो दैट्स आई बिलीव इफ यू एक्ट गुड, इफ यू एक्ट ऑनेस्टली, वेरी ऑनेस्टली इफ यू एक्ट, सो ऑडियंस आपके साथ रिलेट करती है. दैट्स द रीजन मुझे लगता है कि व्हेन आई एक्ट विद माय ब्रदर, आई डोंट थिंक ही इज माय को एक्टर हु इज माय ब्रदर. आई ओनली थिंक ही इज माय ब्रदर, दैट्स इट, नो इफ नो बट्स. ही इज माय ब्रदर ऑन द स्क्रीन, ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन, ही इज माय ब्रदर, दैट्स इट, पार्टी लाइन. I don't think otherwise. That's the reason sometimes you see, you got to believe. Because if aap hi nahi believe karenge, then how would you make people believe? How would you make audience believe? Yes. Madam ko sirf shaadi ka sequence janna. Actually, ye sawal mera bhi hai. As an audience, acha dekhiye. एक एक्टर के पीछे मेरा एक ऑडियंस भी है जो जिसको जानना है कि यार ये क्या होने वाला है. एज एन एक्टर मैं बहुत स्मार्ट हूँ, आपको नहीं बताऊंगा मैं. आप मुझे कितना भी बोलो आपको नहीं बताऊंगा. बट इंटरेस्टिंग होने वाला है. इंटरेस्टिंग ऐसे होने वाला है क्योंकि अगर आप जो लोग शो चलाते हैं वो शो ऐसे ही तो नहीं चलाते, उनको कुछ तो हुक्स मालूम है, उनको दे नो द निटी-ग्रिटी ऑफ द बिजनेस. सो आई एम श्योर वो ऑडियंस के लिए अच्छा कुछ बेहतर ही लेकर आएंगे, ताकि एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एंटरटेन आर ऑडियंस द इयर्स टू कम. लेकिन आप इसे ये मत पूछो कि क्या होने वाला है, लेकिन बहुत मज़ेदार होने वाला जो भी होने वाला है. देर इज नथिंग टू फील बैड अबाउट एनी थिंग. इट्स अ हिट शो, इट्स अ सक्सेसफुल शो, इट्स ब्यूटिफुल. हैविंग सेड दैट, सक्सेस और फेलियर ये तो टैग्स हमें मार्केट से मिलते हैं. आप लोग बताते हैं कि हमें सक्सेस है, ये हिट है. हमारे लिए क्या सक्सेस है? अगर हम ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते हैं, बिकॉज आर वे ऑफ कनेक्टिंग विद ऑडियंस इज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. सो हम लोगों को हर सीन के बाद मालूम चल जाता है दिस वॉज गुड और दिस वॉजेंट गुड, दिस वर्क एंड दिस वॉजेंट डिडेंट वर्क. आई एम हैप्पी दैट व्हाट आई डू ऑडियंस लाइक इट, दे लव इट, दे रेसिप्रोकेट द लव. मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑडियंस को काम, मेरे डायरेक्टर को मेरा काम पसंद आता है, मेरे राइटर्स को, प्रोड्यूसर्स को मेरा काम पसंद आता है, और हमारा बॉन्ड पसंद आता है. जो भी हम सारे को एक्टर्स हैं, हम लोगों का बॉन्ड अच्छा लगता है. हमारे लिए सक्सेस ये है. बाकी आई डोंट जज, यू नो, आई डोंट जज द सक्सेस इन टर्म्स ऑफ टी आर पीज. वी कैन ऑफकोर्स टी आर पीज नंबर्स ऑफकोर्स मैटर, पैसे कितने आ रहे हैं वो भी मैटर करता है ऑफकोर्स, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है, वो मेकर्स के हाथ में, तो मैं उसके बारे में सोचता नहीं हूँ. मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि इस सीन को अच्छा कैसे करना है, बस. अच्छा किया. अरे 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 बहुत बहुत बढ़िया. चलो यार, आपका प्यार ही नेशनल अवार्ड है. आपने इतने अच्छे से तारीफ करी, यही नेशनल अवार्ड है हमारे लिए. यार एक्चुअली मेरे को नहीं मालूम कि इसका क्लीशे एंड क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मेरा काम है एक्टिंग करना, मैं स्टोरी के अंदर नहीं घुस सकता. मेरा काम वो नहीं है, मेरा काम है ईमानदारी से एक्टिंग करना. जो मुझे सीन मिला है, जो मेरा सीन है, उसको ईमानदारी से करना. लोगों को बहुत अच्छी लगी बारिश, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वेब, लोग बहुत सारे लोग देखते हैं. बिकॉज मैं मानता हूँ, और बनना और होना भी चाहिए. अगर सीज़न 2 बन रहा है तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर होगा तो शायद, मैं होप करता हूँ, और आई होप एकता मैम इज़ लिसनिंग टू दिस, एंड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ बारिश पार्ट 2 समथिंग लाइक सीज़न 2. वेब इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म दीज डेज. ट्रैवल टाइम आजकल बहुत बढ़ गया है सबके लिए, बिकॉज ट्रैवलिंग इन बॉम्बे इज़ वेरी डिफिकल्ट. यू नो, यू ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी टेक्स यूजुअली 1.5 आवर, समटाइम्स 2 आवर्स. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. सो व्हेन यू ट्रैवलिंग, यू वांट टू यूटिलाइज योर टाइम. सो व्हाट यू डू, यू नो, यू सिट बैक, यू ओपन योर, यू लॉग इन टू योर ऐप एंड ऑल ऑफ दैट, यू वॉच अ गुड कॉन्टेंट इफ देयर इज अ गुड कॉन्टेंट. नाउ बिकॉज ऑफ वेब देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच इज कमिंग अप फॉर द एक्टर्स, फॉर द डायरेक्टर्स, फॉर द सिनेमेटोग्राफर, एवरीबॉडी.
So there's a lot of opportunities in the market, which is a very good thing. And a lot of good content is coming because पहले वो जो reserve होता था content, अभी वो वापस आ रहा है और बहुत अच्छी बात है और मुझे बड़ी खुशी है यार, web आता रहता है और web के अंदर एक अच्छी चीज़ भी होती है ना कि it has a start point, it has a middle point and it has an end. It's like a film. You have a proper character, proper story. So before you actually begin shooting for shows for a web, you know the graph. So story has a graph, character has a graph. मजा आता है। और सोशल मीडिया में आप कैसे कर रहे हैं? मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ यार। टिकटॉक बहुत सारे लोग करते हैं यार आजकल, टिकटॉक से बहुत बड़े स्टार भी बन जाते हैं। अरे यार आप कैसे देखते हैं टिकटॉक? यार मैं धीरज तो सर टिकटॉक पे ही रहते हैं। मैं टिकटॉक का स्टार बनने नहीं आया, मुझे एक्टिंग करनी है भाई, मुझे टिकटॉक का स्टार नहीं बनना है। जो करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं कर पाता हूँ। मुझे टिकटॉक के बारे में कुछ मालूम नहीं है और इंस्टाग्राम पे मैं हूँ और जो मुझे लगता है मुझे कहना चाहिए मैं अपनी बात इंस्टाग्राम से कहता हूँ। कभी कभी ऑडियंस जो हमारे फैंस हैं, यू नो फ्रेंड्स हैं, वो कभी कभी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फ़ोटोज़ डाला कीजिए, कुछ लिखा कीजिए, तो मैं वो करता हूँ और मुझे मज़ा आता है। मैं कभी कभी उनके लिए भी करता हूँ, कभी कभी शो के लिए करता हूँ, कभी कभी अपने लिए भी कर देता हूँ, थोड़ा सा शो ऑफ भी कर देता हूँ मैं कभी कभी, ऐसी बात नहीं है। बट फेसबुक इंस्टाग्राम, अरे मैं यही नहीं संभाला जा रहा यार, टिकटॉक एक तो कहाँ, नहीं 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 हाँ थैंक यू स्वीट, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू टू से दैट, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीबॉडी। किशन घूम नीचे घूम देखना कितना ऊपर है, किशन क्या हो गया तुम लोग का, नीचे कर थोड़ा। उनकी शादी होने जा रही है और करण जो है उनकी शादी का कार्ड जला रहा है, तो करण कैसे रिएक्ट करेगा, क्या करेगा और ये माइक गिरेगा या नहीं गिरेगा, ये देखने के लिए देखते रहिए कुंडली भाग्य 9:30 जी टीवी पर। मैं भी यही जो इसने कहा वो सब कहना चाहूँगी कि कुंडली भाग्य में 2 साल के इंतज़ार के बाद प्रीता की शादी हो रही है और वो किस से होती है, वो अपना प्यार का इजहार करण से करती है या नहीं, या वो दोनों रियलाइज़ करते हैं कि वो दोनों प्यार करते हैं और टाइमली रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, ये सब देखने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। आई थिंक प्रीता तो अभी तक थोड़ी कंफ्यूज है कि वो किससे करना चाहती है, माँ की बात सुने तो पृथ्वी से करना चाहती है, दिल की बात सुने तो पता नहीं किससे, करण से पता नहीं भाई बताती नहीं है, वो खुद को भी नहीं बताती है प्रीता की वो क्या करना चाहती है। लेकिन इन दिनों आपने बहुत डांट खाई है सबकी, बहुत डांट खाई है, इसने मुझे बहुत डांटा है। तो यार एक बात बताओ यार, मतलब जब मैं नहीं करनी चाहती, जब मैं यार मैं ना बड़ा रियलिस्टिक कैरेक्टर हूँ, जब 10 लोगों ने आके बोला कि प्रीता गलत है, प्रीता गलत है ना, मैं भी मानूंगा कि प्रीता गलत है, जब 10 लोग आके बोलेंगे प्रीता सही तो मैं मानूंगा प्रीता सही है, लेकिन मैं ऑन अ सीरियस नोट ये कहूँगा कि जो करण है, कहीं ना कहीं आप लोग भी जानते हैं कि करण और प्रीता की जो अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे को लेकर, उनके किरदारों को लेकर, वो बहुत ही मतलब इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, वो अलग लेवल पर है, वो एक दूसरे को समझते हैं, अलग भी हैं, घर से निकाल भी रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आंखें नम हैं दोनों की, अगर करण कर भी रहा है गुस्सा तो आंखें नम है, तो आई थिंक वो एक अनसेट चीज़ है कि कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता था या उसे वो उसको ऐसा भी अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो वो कर रहा है वो गलत है, आई डोंट नो। आई थिंक ये भी बहुत रियल है क्योंकि लाइफ में कई बार लाइफ ऐसा टर्न ले लेती है कि बहुत दुख होता है, सरप्राइज होता है, दो लोग जो बहुत करीब होते हैं एक दूसरे को बहुत जानते होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं, तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और ये कोई बहुत अनकॉमन बात नहीं है, हर तीसरे चौथे रिलेशनशिप में ऐसे फेजेस आते हैं या वो इस तरह से टूट जाता है या फिर बाद में बनता है, तो ऐसा ही कुछ कुंडली भाग्य में भी हो रहा है कि करण और प्रीता सोचते थे कि एक दूसरे के बहुत करीब है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, बट एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स का फेज उनकी लाइफ में आ रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यार दो लोग एक दूसरे को तभी हर्ट करते हैं जब दोनों के बीच में बहुत प्यार होता है, फ्रेंडशिप गहरी होती है, फील करते हैं। आई थिंक ये जो भी सिचुएशंस हैं अभी लाइफ में जो लूथरा परिवार फेस कर रहा है या अरोड़ा परिवार फेस कर रहा है, आई थिंक
ये जो आई थिंक बादल छट जाएंगे जल्दी और सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा हमें लगता था, बट अब ये शादी करने जा रही है, इसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, सरला जी ने इतना बड़ा एक कदम उठाया कि वो प्रीता की शादी अगले 3 दिन में कर देंगी। आई थिंक करण इज नॉट हैप्पी अबाउट इट, आई थिंक इसलिए शायद कार्ड वार्ड जला रहा है और सब कुछ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कैरेक्टर्स हैं, मैं कहता हूँ रियल लाइफ में भी अगर शायद ऐसा ही होता होगा कि अगर बेटी की इतनी बेइज्जती कोई कर दे तो माँ हमेशा यही चाहेगी कि बेटी को सुखी देखे, इसलिए शायद उनको लगता है कि पृथ्वी इज़ अ बेटर चॉइस फॉर प्रीता। बट ऑडियंस को क्या लगता है और ऑडियंस क्या चाहती है और होता क्या है, और होता क्या है ये देखने के लिए आप देखते रहिए कुंडली भाग्य। 2 साल तक ये डिसाइड करी थी कौन से कलर का लहंगा पहनेगी, मतलब ये कैसे सवाल है कि 2 साल बाद शादी हो रही है तो कितने टाइम तक शादी चलने वाली है, वो तो मतलब उसका कोई रिलेशन उससे नहीं है। बट अब शादी होगी तो शादी चलेगी भी, बट सवाल ये है कि शादी होगी किससे। यार आई थिंक आप अगर देखेंगे सिचुएशंस लाइफ में भी ऐसी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अगर शुरू हुआ तो उसको प्रॉपर एंड करना चाहिए, उसकी एंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर हम आज शादी की शुरुआत कर रहे हैं, आपने अभी प्रोमो देखा, प्रोमो लॉन्च हुआ है, सब कुछ है, अभी ये ट्रैक स्टार्ट हुआ है, आई थिंक लोगों को इस चीज़ का इंतजार था कि अभी आगे क्या होगा। हमें इतने ट्वीट्स, इतने मैसेजेस मिलते हैं, इतनी मेल्स आती हैं, वो हमेशा यही पूछते थे कि 2 साल से स्टोरी आगे नहीं बढ़ी। आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि हमने स्टोरी आगे बढ़ाई है। अब स्टोरी आगे बढ़ने के बाद इफ़ वी स्टार्टेड सम ट्रैक इट विल टेक सम टाइम टू, तो इतनी पेशेंस रखें, सब्र रखें, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल प्रीता आता है। मैंने इनको जवाब दिया था इस बात का कि प्रीता विल क्लिक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, वो कहेंगी करण चलना टिकटॉक बनाते हैं, फिर टिकटॉक बनानी है, फिर कहेगी यार आज हम दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं फिर से सेल्फीज ले लेते हैं, चलिए एक काम करते हैं वीडियोस बनवाते हैं। तो ये हमारा एक्साइटमेंट लेवल होता है काम पे जाने का कि, और बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे फोटोज मैंने ऑलरेडी खींच के रखे हैं अपने प्रोमो शूट से, जो कि जब प्रोमो बाहर आएगा तब मैं पोस्ट करूंगी, तो उसके लिए भी आई एम वेरी एक्साइटेड। और क्या होता है जब ये बहुत खुश हो जाती है ना तो ये मैं इसको मैसेज करता हूँ आज शूट है, तो मैंने कहा यार बड़े दिनों से हम लोग ऐसे सैड सीन कर रहे हैं, हाँ आज ना कुछ अच्छा मंगा के खाते हैं, तो इसका जो खुशी है वो ये होती है कि आज कुछ अच्छा खाते हैं। मेरी लाइफ में सारी खुशियाँ फूड रिलेटेड है और आई होप कि आगे चल के इसमें थोड़ा चेंज आए, जैसे कि कुंडली भाग्य में आ रहा है। इसलिए शायद ज़्यादा खाते हैं। हाँ बहुत डांस कर रही हूँ आज कल। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, जैसे शो में मैं करण को डांस कराता हूँ ऐसे मैं अब रियल लाइफ में भी बहुत डांस कर रही हूँ, उसकी वजह से बहुत गोलियाँ खा रही हूँ, पुर्जा दुख रहा है, बट इट्स दैट स्वीट काइंड ऑफ पेन। और मुझे डांसिंग बहुत पसंद भी है तो मैं वो सीख रही हूँ इसी बहाने से, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। I am not leaving the show, I am living the show. मैं बहुत इजीली मैनेज कर लेती हूँ, मैं फोन करती हूँ करण को और मैं बोलती हूँ सुन आज तू प्रीता बन जा, तो ये बिग बुक लगा के प्रीता बन जा। आप लोगों को पता ही नहीं चलता पीछे से प्रीता खड़ी करण खड़ा है ना, एक्चुअली एक बार अभी इसे हेयर स्टाइल भी करण जैसा कर लिया शो में। हाँ बस ये ऐसे ही रहता है, यहाँ से विग लग जाती है, यहाँ से विग लग जाती है। अभी आप इनका नच बलिए का जो पोस्टर है अभी जो इंटरनेट पे आप देखेंगे तो उसमें बाल करण लूथरा वाले हैं, आप नोट कीजिए कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है। मैंने इसका हेयर स्प्रे भी यूज किया था, धमाल मचाया मैंने। हाँ धमाल देख लिया हमने, कहाँ देखा फर्स्ट लुक। यार गाइज थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड इतना ज़्यादा प्यार दिया आपने पहले दिन से, पहले हफ्ते से, आई थिंक इतना ज़्यादा प्यार, आई थिंक आप हम जितना हम जीते हैं प्रीता और करण को, आई थिंक आप लोगों ने भी हमारे साथ हर पल हर दिन जिया है, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव टू कुंडली भाग्य कास्ट। वी प्रोमिस दैट वील कीप एंटरटेनिंग यू टू द बेस्ट ऑफ आर एबिलिटीज़ एंड ऐसे ही कुंडली भाग्य को प्यार देते रहिए, एंड मैं हक से कहूँगा देखते रहिए कुंडली भाग्य 9:30 बजे, और कहीं मत जाइए क्योंकि मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, ये दी करण लूथरा का वादा है कि सब्र का फल मीठा होता है। राइट से चलो करिए, सामने देखिए राइट से बोलो ना, यस राइट, अरे वन थैंक यू। Look here,
हमको बुलाओ, मैम को बुलाओ, बोलो साथ में। अरे ऑन योर राइट, राइट में फुल राइट। हाँ सही है, सही है। क्या से राइट मिला ही नहीं। नाम क्या? एक फुल राइट, फुल राइट। इधर इधर देखिए। हाँ दोनों। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। सोलो सोलो मैम का सोलो। ओके गाइस, एक सिंगल आपका बन गया। शर्मा का सिंगल मैम, थोड़ा एक थैंक यू, थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक शो के लिए। पिलाते अभी, पिला दे मिर्ची का पानी। शादी होगी, होगी? क्यों नहीं होगी, अभी तक इतने पापड़ मेले हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। पृथ्वी का सबसे पहला मकसद ये था कि वो लूथरस को बर्बाद करेगा, और फिर हमने रिवील किया कि पृथ्वी को प्रीता से प्यार हो गया। तो जब पृथ्वी को प्रीता से जेन्युइनली प्यार हो गया, तो उसने सोचा कि अब क्या हुआ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो उसने सोचा कि अब प्रीता से शादी कर लेता हूँ और उसे अपनी वाइफ बना लेता हूँ। तो वो भी उसका मकसद हो गया प्रीता से शादी करने का। तो उसके रास्ते में जितनी भी रुकावटें थी सबको एक एक करके उसने अपने रास्ते से हटाया। सारी ख्वाहिशें तो पूरी होती जा रही है इनकी शो में। और क्या, और क्या चाहते, क्या बस क्या चाहते? पृथ्वी ये चाहता है कि प्रीता से शादी हो जाए, और शादी के बाद वो लूथरस को बर्बाद करे। ले लो, जाओ मेरी बहन ले लो। आप खुश हैं उनके साथ शादी? लग रहा है मैं खुश हूँ। आई एम सो इरिटेटेड, मतलब मैं अपनी बहन को समझा के थक गई यार। यू लव करण, शी इज इन डिनायल। वो कहती है कि करण सिर्फ मेरा दोस्त है, आधी रिलेशनशिप जो है, आधे कपल्स इसी में बर्बाद हो जाते हैं, फ्रेंड जोन। प्रीता ने करण को फ्रेंड जोन कर दिया है, उनका कोई चांस नहीं है अभी। तो ऊपर ऊपर से खुश हो, जस्ट गोइंग विद द फ्लो, सिस्टी इज गोइंग विद द फ्लो कि चलो शादी है घर की पहली, मम्मा भी चाहती है शादी हो जाए, प्रेशर में है दी, तो ठीक है ऊपर ऊपर से खुश हो, लेकिन अंदर से नहीं चाहती हो कि पृथ्वी से शादी हो।
और पृथ्वी तो चाहता है कि प्रीता से शादी हो जाए, तो शादी की बात करने जब ये इनके घर जाता है तो ढोल नगाड़ों के साथ जाता है, बैंड बाजा के साथ जाता है, अपने पूरे परिवार को ले जाता है और पंडित जी को भी ले जाता है, खानदानी पंडित जी जो है। शादी की डेट पक्की हो गई, अब शादी होने वाली है, तो सब कुछ पृथ्वी के मुताबिक, पृथ्वी के हिसाब से चल रहा है। बट इस शादी में बहुत ड्रामा होने वाला है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि हमको पता है, बल्कि इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि ये शादी हो, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि शादी हो। पृथ्वी चाहता है कि ये शादी हो, शर्लिन चाहती है कि शादी हो, सरला माँ जो कि इनकी माँ है वो चाहती है कि शादी हो, सृष्टि नहीं चाहती कि शादी हो, और भी दो तीन लोग हैं जो नहीं चाहते कि शादी हो। तो शादी में कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा ड्रामा होने वाला है, हमें नहीं पता क्या होने वाला है, बट वी आर डैम श्योर कि बहुत सारा ड्रामा होने वाला है। शादी होगी कि नहीं होगी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, नहीं होगी तो क्या होगा, होगी तो क्या होगा, ये बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी पैदा हो चुकी है। सो देखने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। देखो सरला माँ ने अल्टीमेटम दे दिया है कि बहन की शादी है, मुंह सड़ा के ना बैठना घर में या पूरी शादी में। तो अगर आप लोगों ने प्रोमो देखा होगा, जब दर्शक भी प्रोमो देखेंगे हमारा, तो उसमें मैं स्माइल कर रही हूँ, आई एम हैप्पी दैट माई मॉम इज़ हैप्पी, यू नो शादी हो रही है हमारी, मेरी बड़ी बहन की फाइनली। बट अंदर से शी इज़ वेरी अनहैप्पी, शी वॉन्ट्स के इनकी शादी हो ही ना, एंड आई थिंक शी समवेयर विशेज एंड शी प्रेज के कुछ तो ऐसा हो जाए कांड इस शादी में कि इनकी शादी ना हो। तो ये सृष्टि का ये है, लाइक यू नो ये सोच रही है सृष्टि। हर शादी में साली जो है वो बरामद से चीजों पे जो है वो यू नो कुछ ना कुछ रस्में होती है और कुछ ना कुछ इससे परेशान करती है चीज को, आप भी परेशान करने वाली और अपनी पर्सनल जो भड़ास है वो निकालेंगे। इनके जूते तो मैंने देने से रही, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यू नो सिर्फ रकम, पृथ्वी मल्होत्रा अव्वल दर्जे का कंजूस इंसान है, वो सिर्फ पैसे हड़पता है, देता नहीं है। पैसे तभी देता है जब किसी का मर्डर करवाना हो। एंड रही बात सृष्टि की, तो मुझे शक है कि ये अपने जीजा के जूते चुराएगी लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि वो रस्म पूरी करनी होती है, और कहीं छिप के जीजा पे यू नो जूता ना फेंक दे सबके, छिप छिप कर। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो अपने जीजा जी से बहुत नफरत करती है। 5 लाख जूते के, 5 लाख एनेक रोलेक्स की वॉच, बोल दिया मैंने, बोल दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है। हम क्या करेंगे, हम स्टोरीज बनाएंगे इंस्टा, हम अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करेंगे, हाँ स्टोरीज बनाएंगे इंस्टाग्राम पे, पर कुछ रिवील नहीं करने वाले हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑडियंसेस देखें कि क्या होने वाला है। अब मैं सभी व्यूअर्स और दर्शकों को मल्होत्रास और अरोड़ास की तरफ से इनवाइट करना चाहती हूँ मेरी बड़ी बहन की शादी में, तो आइए हमारे इस छोटी सी खुशी का हिस्सा बनिए। कुंडली भाग्य देखिए रोज़ मंडे टू फ्राइडे ओनली ऑन जी टी वी एट 9:30 PM, एंड आई होप हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहें, आई होप आप हमारा शो नंबर वन ऐसे ही बनाते रहें ओवर द कमिंग ईयर्स, एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सराहने के लिए, एंड वी जस्ट वॉन्ट दैट आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए जैसे अब तक हैं। थैंक यू, थैंक यू। अरे किशन हाथ को, नहीं नहीं मैं सेंटर में जाके आराम से। अरे Thank you.
अब भी आ जा सर। अच्छा अच्छा हो रहा है विजुअल नाउ। Yeah, I'm done. Yeah, is everyone done with visuals? Yes. Thank you guys. Please go back so that photographs can happen for photographers coming back. Done. तीनों का एक साथ फोटो करते हैं। यहाँ देखिए सर, सर दो ही फोटोग्राफर हैं, इनके पास मत देखिए, उनको मत देखिए। बाकी सारे गिरने की एक्टिंग कर रहे हैं से वो वीडियो वाले। सर यहाँ देखिए, लास्ट वन या यस सर, आप सर के बाल खड़े रहने चाहिए आज मूड अच्छा। Yes. Thank you. ये कैसे और? हाँ। सर यहाँ पर, यहाँ पर मैं राइट में, राइट में। सर राइट में। बुला ना बिल्कुल। सर राइट में। सर राइट। Thank you. Okay. Very good. मैम सेंटर। हाँ एक सेकेंड ना सर, दो दो काम डबल पड़ा। हाँ सर यहाँ देखिए, यस थोड़ा पोज दे सकते हो सर, इतना डेस्परेट है खींचने के लिए यार। कैसे पोज चाहिए आप? थोड़ा आड़े टेढ़े चलिए। हाँ ये चले, हाँ ये टेढ़े, यस सर यहाँ देखिए। उठा लो बोलो। ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो के लिए बोल रहे हैं, वीडियो के लिए बोल रहे हैं।